311 एक ऐसी बीमारी मुसलमानों के अंदर घुस गई नौजवानों, इसको निकालना तो दूर की बात। बिल्कुल मौलाना साहब से दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक जगह से फोन आया, मौलाना साहब हमने ड्रीम 11 लगाया है, आज दुआ कर दी। हमने कहा आपने किसी उलमा से पहले तहकीक की ये ड्रीम 11 है क्या, ये जुआ है या जुआ नहीं है? वो कहते हैं मौलाना साहब आप दुआ कर दीजिएगा, मेरी टीम लग जाए और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सुनो, दिल की कानों से सुनो, तुम ड्रीम 11 लगाते हो, ये जुआ है, जुआ सूद खोरी है। और मुफ्ती साहब बैठे हुए से पूछिए मसला कि सूद के बारे में बताया गया, चाहे आप ड्रीम 11 लगाओ कोई और जुआ खेलो, माओ के साथ जीना, कम से कम दर्जा जो गुनाह का दर्जा है वो माओ के साथ जीना करना है। कोई माओ के साथ जीना करना पसंद करेगा नौजवानों? इसलिए ये ड्रीम इलेवन के चक्कर में ना रहे, ये जुआ है, ये सूद खोरी है, इनको छोड़ो। नौजवानों तुम्हें अर्ज ये कर रहा था, आज का मुसलमान, आज का नौजवान इस जुए के अंदर लगा हुआ है। लेकिन गैर मजहब को देखो कि वो नौजवान ग्रुप चला रहे हैं कि इससे इस धर्म से बदल करके इस धर्म के अंदर लाओ, कहां हम सो रहे हैं। दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है, मातृमान पितृमान, अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा अच्छा बने तो बाप की जरूरत पड़ती है, जब जाकर के बच्चा अच्छा बनेगा। तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर जो जरूरत पड़ती है वो एक अच्छे उस्ताद की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे मुदर्रिस की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे मदरसे की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे स्कूल की जरूरत पड़ती है। अगर वो बच्चा ये चाहता है कि मैं अच्छा बनूं तो एक अच्छे मुदर्रिस के पास जाकर के वो अपना एडमिशन कराए, अपना दाखिला कराए, तभी जाकर के पंडित जी कहते हैं पुरुषो वेदहा, तब जाकर के बच्चा बुद्धिमान बनता है, अच्छा अखलाक वाला बनता है, अच्छा आलिम बनता है, अच्छा कारिया कुरान बनता है, अच्छा मुफस्सिर बनता है, अच्छा मुफ्ती बनता है। लेकिन शर्त ये है कि इन तीन चीजों को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा बच्चा अच्छा बनेगा। इंशाल्लाह हम लोग इस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, आप लोग थक चुके हैं ऐसा लग रहा है, थक गए हैं के थक गए, बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। मैंने जो हदीस पढ़ी और एक कुरान की आयत के, मैंने अभी कहा कि जब दुनिया से हम लोग जाएंगे, लेकर के कुछ नहीं जाना है, दिल को साफ रखिए, मोहब्बत से मवद्दत से एक दूसरे से पेश आइए, इसलिए कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मौत का कोई गारंटी नहीं है। आपने उलमा से सुना होगा कि फलां आदमी फौरन घर से निकला, रास्ते में गया, पता चला कि वो एक्सीडेंट हो गया, मौत का शिकार हो गए। और कुरान भी ये कहता, कुरान ये कहता है قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّتِي تَفِرُّونَ مِنْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ। नबी आप ऐलान कर दीजिए, दुनिया वालों को बता दीजिए, दुनिया वालों को मैसेज दे दीजिए, पैगाम दे दीजिए, संदेश दे दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّتِي تَفِرُّونَ مِنْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, वो तुमसे मुलाकात कर लेगी, एक नदी मुलाकात कर ही लेगी। नौजवानों अपने जमाने के अंबिया आए, तमाम अंबिया को यहाँ से जाना पड़ा, अपने जमाने के तुर्रम खान आए, तमाम को जाना पड़ा। लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ जाने से पहले हम वहाँ की तैयारी कर लें, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। कहा कि जब बंदे को कब्र के अंदर रखा जाता है, फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, फरिश्ता पूछता है मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, जिसने दुनिया के अंदर किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, जिसने दुनिया के अंदर किसी पर जुल्म नहीं किया होगा, जिसने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होगी, जिसने दुनिया के अंदर जकात दी होगी, जिसने दुनिया के अंदर हज अगर फर्ज हज किया होगा, जिसने दुनिया के अंदर रोजा रखा होगा, फरिश्ता पूछेगा मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, वो आसानी से कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। फरिश्ता पूछेगा मा दीनुका, बता तेरा दीन क्या है। अगर उन्होंने इन तमाम चीजों पर फोकस किया होगा,
नमाज पढ़ी होगी, ज़कात दिया होगा, हज किया होगा और कहेगा दीन यानी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछा जाएगा मा बुइस फी हादा रजुल, तुम्हारा इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है, किसके बारे में? किताबों के अंदर लिखा, मिश्कात शरीफ के अंदर ये लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर या तो दिखला दी जाए या तो आपके कब्र अक तक कोई पर्दा हाइल नहीं होगा, या तो आपकी तस्वीर उसके जहन के अंदर कर दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा बताओ ये कौन है, इसने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होगी, इसने दुनिया के अंदर ज़कात दी होगी, हज किया होगा, दुनिया के अंदर किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। वो फौरन कहेगा ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह की तरफ से क्या आएगी? फिर जब कोई इम्तिहान में पास होता है उसे कुछ इनाम मिलता है, अल्लाह की तरफ से भी इनाम मिलेगा। इनाम क्या मिलेगा? अफ्रिशूहु मिनल जन्नत, अलबिसूहु मिनल जन्नत, वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नत। इस नेक बंदे के लिए, इस मुत्तकी बंदे के लिए, इस परहेजगार बंदे के लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो और इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दो। जवानों अल्लाह ताला हम सबको जन्नत वाला बना दे। लेकिन इसने दुनिया के अंदर इन तमाम कामों को नहीं किया होगा, सवाल तो उससे भी होगा ना, चाहे सवाल में फेल हो या पास हो, तमाम स्टूडेंट से सवाल होता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, चाहे पढ़ने में वो बोकस हो चाहे पढ़ने में वो तेज हो, इसने दुनिया के अंदर तैयारियां नहीं की होगी, सवाल तो उससे भी होगा। सवाल पूछा जाएगा मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, मा दीन का, बता तेरा दीन क्या है, मा बुई सफी आदर रजुल, तुम्हारा इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है? नौजवानों वो कहेगा हाय हाय मुझे मालूम नहीं, हाय हाय मुझे मालूम नहीं। फरिश्ता कहेगा तुम्हें तमाम चीज़ों का उलूम व फुनून हासिल था लेकिन तुम उसके बावजूद भी नहीं करते थे, अल्लाह की तरफ से वईद आएगी, अफ्रिशूहु मिनन नार, अलबिसूहु मिनन नार, वफ्तहू लहू बाबन इलन नार, इस बदबخت के लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो, इसको जहन्नम का लिबास पहना दो और इसके लिए जहन्नम के दरवाजे को खोल दो। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए।